नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी'स किचन में। आज मैं शेयर कर रही हूँ बिना तेल वाले नींबू के अचार की रेसिपी, जिसे कोई भी इजीली बना सकता है। सिर्फ नींबू में हम दो चीज़ें ऐड करेंगे और इसका अचार हम तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए आधा किलो नींबू। नींबू को मैंने अच्छे से धो लिया और एक कपड़े से मैंने इसको पोंछ लिया है ताकि इसके ऊपर मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे। आप भी इसी तरीके से धोकर इसको कपड़े से पोंछ लें। अब इस नींबू को हमें कट करना है, तो मैं नींबू को क्रॉस में कट करने वाली हूँ। इस तरीके से एक नींबू ले लेंगे और इसके ऊपर हम क्रॉस कट कर लेंगे। बिल्कुल डीप हमें कट नहीं करना है, इस तरीके से कट करना है कि इसमें इजीली हम मसाला भर सकें। तो एक नींबू मैं आपको और कट करके दिखा रही हूँ। नींबू का अचार बनाने के लिए कोशिश करें आप कागजी नींबू यूज़ करें, जिसकी स्किन एकदम पतली होती है और एकदम रसीले होते हैं नींबू। तो ये देखिए, सारे नींबू मैं इस तरीके से ही कट कर लूँगी। तो ये सारे नींबू मैंने कट कर लिए हैं। अब इन नींबू को मैं साइड में रख दूँगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिए है 5 बड़े चम्मच नमक। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ले ली है मैंने यहाँ पर यह अजवाइन। सब ये दो चीज़ें इसमें हम डालेंगे और इसका अचार हम तैयार करेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें हमें कोई ऑयल ऐड नहीं करना है और कोई मसाला ऐड नहीं करना है, बस इसी को ऐड करके नींबू का अचार तैयार करेंगे। और खाने में ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत इजीली बन जाता है। और ये नींबू का अचार डाइजेस्टिव भी होता है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है तब इसे आप खाएंगे तो आपका पेट भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से अब एक नींबू ले लूँगी मैं और इसमें मैं ये मसाला भर लूँगी। इस तरीके से अच्छे से नींबू में मसाला मैं भर लूँगी दोनों तरफ। और अचार को डालने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कांच का जार। जो भी जार आप यूज़ कर रहे हैं इसको डालने के लिए एकदम स्टरलाइज होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इस नींबू को सीधे सीधा इस तरीके से मैं इसमें डाल दूँगी। सारे नींबू इस तरीके से ही हमें तैयार करने हैं। सारे नींबू में इस तरीके से ही मसाला भर लें दोनों तरफ और इसको आप जार में रखते जाएं। तो ये देखिए, पूरा जार मैंने नींबू से भर लिया है, सारा मसाला मैंने इसमें भर दिया है। अब जो ये मसाला हमारा बच गया है, इस मसाले को हम नींबू के ऊपर ही डाल देंगे, सारा ही डाल देंगे इसके अंदर हम। मसाला डालने के बाद इसे हम ढक के रख देंगे धूप में करीबन 8 से 10 दिन के लिए। उसके बाद यह अचार हमारा तैयार हो जाएगा और आप इसे खा पाएंगे। यह अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है, कई सालों तक इसे आप रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा। मैंने इसमें मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। आप चाहे तो इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं, चाहे तो लाल या फिर काली मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अचार को रखे हुए करीबन 10 दिन हो गए हैं। काफ़ी हद तक ये अचार बन के हमारा तैयार हो गया है। कुछ दिन इसे आप धूप में रखेंगे तो हमारे नींबू एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम रसीले हो जाएंगे। वैसे तो ये अचार आप खा सकते हैं, तैयार है हमारा ये अचार। इसे आप मट्ठी के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए या फिर पूरी के साथ खाइए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आपको इस नींबू के अचार की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस नींबू के अचार को कोई भी इजीली बना सकता है। हमने कुछ ज़्यादा सामग्री ऐड नहीं की है, बहुत इजीली ये बन जाता है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो तैयार है हमारा एकदम चटपटा नींबू का अचार। इसी तरीके से मैंने नींबू के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी भी डाली हुई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।